ए राजा जाई बाजारे ले ले आई एगो कोका कोला। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार आशीर्वाद लाइक को दीजिए, और यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है मेरा, क्योंकि ये अपने बिहार की कंपनी है ग्रीन डीजी, जिसके डायरेक्टर हमारे आकाश जी, इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इनके अपने मुझे लगता है कि हेलो मैं कवा कवा का बड़ा तरह और मेरा उद्देश्य यही रहता है साइलेंस कि जब अपने तरफ की कंपनियां हमारे बिहार में ही अगर प्लान करेगी, बहुत सारी चीज़ों पे काम करेगी, तो हमारे यहाँ के जो लोग बाहर जाते हैं कम से कम वो कम हो जाएगा। हमारे लोग यही कमा के अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कम से कम रह सकेंगे। और हम बाहर की कंपनियों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत लीजिए, लीजिए, बट आपके घर की कंपनी होगी, अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम होगा तो मुझे लगता है कि उसको बदलने का भी रास्ता होगा, क्योंकि वो आपकी घर की कंपनी है। अब बताइए, कोई पाकिस्तान से हमें गाली देगा तो हमें जाते जाते टाइम लगेगा, लेकिन कोई बगल का आदमी होगा अगर हमें प्रॉब्लम करता है तो उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने लोगों को ही आगे बढ़ाएं, अपने लोगों पे मेहनत करें, और अपने लोगों के साथ रह के, अपने परिवार के साथ रह के अगर हम दो पैसे कमा लें, तो उसमें उन्नति सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का है। और बहुत सारी कंपनियाँ अब यहाँ खुलने लगी है, और हम लोगों ने पहल शुरू किया है, हमारे आकाश जी ने एक पहल शुरू किया है कि ये सिर्फ कूलर ही नहीं, पंखा से लेकर, टीवी से लेकर, वाशिंग मशीन से लेकर फ्रिज तक, माने आप एक बार घर बनाइए और उनको बोल दीजिए सारा सामान आपको, माने सोफा सेट तक, माने हर चीज़ का व्यवस्था एक साथ। और वो खुद की कंपनी छपरा में भी लग रही है, गोरखपुर में भी लग रही है, पटना में भी लग रही है, कई ऐसे जगहों पे कंपनी खुद के लगाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ से हम अपने लोगों को काम दे सकें और अपने बीच में रह के हम दो पैसे कमा के और अपने बिहार को प्रेजेंट करें। और कोई सवाल? सवाल इधर है सर। हाँ पूछिए। खैर, मतलब जिस तर्ज पर भारत में आत्मनिर्भर भारत के और तो चल रहा है, वैसे क्या अब आत्मनिर्भर बिहार भी बनता जा रहा है? देखिए, अगर हम लोग आगे अगर हैं, अगर हम अपने बिहार को प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम अपने बिहार के लोगों के लिए नहीं सोचेंगे, तो कोई और नहीं सोचेगा, कोई और राज्य नहीं सोचेगा। आज कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, चाहे दुनिया का कोई भी स्टेट हो, हम वहाँ जाकर काम करते हैं तो वो आज स्टेट हो गया है और उसकी अहमियत है। हमारे बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, इसलिए हमें मजबूरन अपने घर परिवार को चलाने के लिए हमें कहीं दूसरे राज्य में जाना होता है। आज कोरोना काल में देखिए, अगर वो फैक्ट्रियां हमारे यहाँ होती तो इतने सारे वर्करों को पैदल चल के आने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं इसीलिए इनके साथ जुड़ा, और मैं बिहार की जो भी कंपनियां होगी मैं उनको खुला ऑफर देना चाहता हूँ कि आपको जब भी लगे कि आपको मेरी ज़रूरत है और आपके कंपनी को दुनिया को बताने के लिए आपको मेरी ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल निधड़क खिजारी के पास आइए, क्योंकि वहाँ एक बिहार का बात है। और मैं भी नहीं चाहता कि मैं भी मुंबई जाकर काम करूं, लेकिन मुझे अगर व्यवस्था मिलेगी तो मैं भी यही काम करूंगा, मेरे भी बच्चे इसी यहीं के स्कूल में पढ़ेंगे, मेरा भी इलाज इसी यहीं के अस्पताल में होगा। तो हम दूसरे को जो पेमेंट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो हम दूसरे राज्य को जो बढ़ा रहे हैं, हर राज्य हमारे लिए सक्रिय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह हर राज्य बढ़ा है, बड़ा हुआ है, उसी तरह हम चाहेंगे, हम सब मिलकर चाहेंगे ये कंपनी ग्रीन डीजे सिर्फ मेरा नहीं, इनका नहीं, मुझे लगता है पूरे बिहार की कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन डीजे अगर एक बढ़ता है तो उसमें सिर्फ आकाश जी नहीं बढ़ते हैं बल्कि हम सब बढ़ते हैं, क्योंकि हम अपनों के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि ग्रीन डीजी को, जहाँ तक हम बिहार की एक ही फैक्ट्री नहीं, कम से कम 200 फैक्ट्रियाँ लगें ग्रीन डीजी का, जो कि हर घर में ग्रीन डीजी ही दिखे, क्योंकि मैं अपना घर बनवा रहा हूँ तो मेरे 300 रूम में ग्रीन डीजी का ही अभी तक कूलर चल रहा है, और बाकी भी पहले से जो मेरा पुराना घर है तो वहाँ भी मम्मी के लिए, पापा के लिए, सबके लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है, गर्मी के लिए, ठंडी के लिए, वो सब ग्रीन डीजी की वजह से ही जा रहा है मेरे घर में, और मुझे अच्छा लग रहा है, और सब लोग खुश भी हैं कि कम से कम हम दो पैसे हम दे भी रहे हैं, तो हम अपनों को दे रहे हैं, अपने बिहार को दे रहे हैं। और मैं सबसे यही कहूँगा कि कोई भी कंपनी ब्रांड तभी बनती है और बड़ा तभी होती है जब हमारा विश्वास रखता है,
लेकिन अगर हम अपनों पर ही वही विश्वास अगर जगाएं और अपना विश्वास अगर रखें तो मुझे लगता है कि हमारी भी कंपनी दुनिया की एक नंबर वन कंपनी होगी। लेकिन आप सबके प्यार के बदौलत ही हो सकता है। आप अगर प्यार नहीं देंगे तो शायद ये नहीं संभव नहीं।